प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायोमंत्र में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है टिड्डा। टिड्डे में हमने जो है बाह्य संरचना पढ़ी है और उसका लाइफ साइकिल जीवन चक्र पढ़ा है, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कृषि में महत्व। टिड्डे का कृषि में क्या क्या महत्व रहता है, क्या क्या इसकी हानियां हैं और क्या क्या इसकी उपयोगिता है, तो उन सभी टॉपिक्स पर हम जो है पॉइंट बाय पॉइंट बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा होगा कि हमने जो है पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी चीजों को जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करते आ रहे हैं, और सभी वीडियोस के अंदर आपका जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम जो है आगे से आगे नए नए तरीके की जो है वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो गाइस आज की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। कृषि में महत्व हम पढ़ने वाले हैं कि क्या 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 महत्व हमारे सामने जो है देखने को मिलते हैं टिड्डे के, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या यहाँ पर उपयोगिता हमारे पास में आती है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में कृषि में महत्व, ठीक है। इतनी बात आपको पता होगी कि जो टिड्डी दल होता है वो 70,000 से 80,000 की संख्या में जो है एक दल होता है, जो कि अगर कहीं पर किसी भी एक एरिया में जाता है तो वहां पर 2,500 से 3,000 व्यक्तियों का भोजन एक ही टिड्डी दल समाप्त कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इतना पता होगा, ज्ञात होगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, आपको इन सभी पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। आपको इतना पता होगा कि जो टिड्डा होता है उसका शरीर का जो वजन होता है उस वजन के बराबर टिड्डा क्या करता है, भोजन करता है। जी हाँ बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर वही उनसे भी हम जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे तभी आपको अच्छे तरीके समझ में आने लगेगा। चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वैसे तो हम देखें तो टिड्डा किसान की फसलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। पहला पॉइंट हमारे पास में जाता है टिड्डा किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास में ये बन जाता है। दूसरी चीज है कि जब नुकसान पहुंचाता है तो इसे हमें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, नियंत्रित करना। अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो जो हमारा भोजन का सोर्स होगा वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखें तो जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। जब सोर्स नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो फिर जीवित कैसे बने रहेंगे। तो इसी तरीके से हम देखें तो इन जीवों को नियंत्रित करना काफी ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि अगर प्रकृति में इस प्रकार का जीव ना हो तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा कि इसको खाने वाले जो जीव हैं, जिस तरीके से हम भोजन खाते हैं, तो अगर भोजन ही ना रहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर टिड्डा ना रहे तो इसको खाने वाले या जिसको भोजन के रूप में उपयोग करने वाले जो जीव जंतु हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें तो एक जो पारिस्थितिक तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा, वो अलग ही प्रकार से हमारे सामने देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि मानवीय भोजन के लिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर, मानवीय भोजन को भोजन के संरक्षण के लिए, ठीक है, मानवीय भोजन के संरक्षण के लिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे नंबर पे हम बात करें कि अगर प्रकृति में ये कीट ना हो तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो अलग ही प्रकार का हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रकृति में अगर यह कीट ना हो तो जो इकोसिस्टम होगा वो अलग ही प्रकार का होगा, आपको इतनी बात यहां पर ध्यान रखनी है। जी हाँ, चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि मैंने बताया आपको कि वजन के बराबर ये भोजन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मल का त्याग भी उसी प्रकार से, मतलब जितना खाएंगे उतना निकालेंगे। जी हाँ ठीक है, जितना खाएंगे उतना ही निकालेंगे। तो उसी तरीके से हम देखें यहां पर तो यह भोजन ज्यादा करते हैं इसीलिए मल का त्याग भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है, मल का त्याग ज्यादा करते हैं। अब यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है कि जो गोबर होता है, गाय भैंसों का जो जानवरों का गोबर होता है, उसकी तुलना में अधिक
अधिक हम यहाँ पर देखें तो जो उर्वर शक्ति होती है, उर्वरता शक्ति होती है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? इनका जो मल होता है, इनका जो मल होता है वो गोबर की तुलना में अधिक जो है उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, गोबर से भी ज्यादा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि भोजन ज्यादा करते हैं इसलिए मल का त्याग भी ज्यादा करते हैं, इसीलिए जो मृदा की उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाने का काम भी ज्यादा करते हैं, ठीक है, या उर्वरता शक्ति जो है वो ज्यादा होती है या बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, ऐसे लिख लो यहाँ पर, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें पांचवे नंबर पे, तो पांचवे नंबर पे अगर मान लो इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी किसी टिड्डी की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसकी बॉडी से जो नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है, मृत्यु होने पर, यहां पर लिखिएगा आप, मृत्यु होने पर, होने पर जो बॉडी से नाइट्रोजन निकलती है, जो बॉडी से नाइट्रोजन निकलती है वो क्या करती है, यह नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को जो सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है, इस नाइट्रोजन को जो सूक्ष्म जीव होंगे वो उपयोग करके, और जो आपके पादप हैं, ठीक है, जब पादप हैं उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे पादपों का क्या होगा, विकास अच्छा होगा, पादपों का विकास अच्छा होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, देखिए मृत्यु होने पर इसके शरीर से जो नाइट्रोजन निकलती है उस नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीव जो है काम में लेते हैं, और काम में लेने के बाद में जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, और उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के बाद में पादपों का विकास इससे क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट नंबर बात करें हम, सिक्स नंबर पे क्या देखें कि अगर मान लो जैसे हमने देखा कि इकोसिस्टम किस तरीके से यहां पर अलग हमें दिखाई देगा, तो देखो इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए, या इकोसिस्टम हम देखें यहां पर, इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए जो कुछ परभक्षी होते हैं, कुछ परभक्षी होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ परभक्षी, जैसे कि मैं बता दूं आपको कौन कौन से परभक्षी यहाँ पर हमारे पास में जाते हैं भोजन का, भोजन के रूप में इनको खाते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए परभक्षी क्या करते हैं, भोजन के रूप में इनको खाते हैं, किनको, टिड्डों को। अब कौन कौन खाता है, देखो जो मकड़ियां हैं ये मकड़ियों को खाता है कौन, टिड्डा, है ना, और पक्षी होते हैं, पक्षी भी क्या करते हैं, पक्षी भी टिड्डे को खाती है, और उसके बाद में हम देखें छिपकली, छिपकली भी टिड्डे को खाती है, तो ये सभी क्या करते हैं अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, टिड्डे का उपयोग करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो बना रहता है, प्रकृति के अंदर जो जीव है वो सामान्यतः इसी तरीके से बने रहते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सेवन की, सेवन पॉइंट की बात करें तो यह प्रकृति की जो कुल 100% हरियाली होती है उस हरियाली 10% भाग जो है ये अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रकृति में उपस्थित हरियाली का, हरियाली का 10% भाग भोजन के रूप में, भोजन के रूप में काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। टोटल जो कुल हरियाली है प्रकृति में उपस्थित हरियाली का 10% भाग भोजन के रूप में काम में लेते हैं कौन, टिड्डे, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट बात करें जिससे होगा क्या, देखो 10% भाग को काम में लेते हैं, इससे क्या होगा, जो पौधे की अवांछित वृद्धि है, पौधे की अवांछित वृद्धि है वो अवांछित वृद्धि नहीं हो पाएगी, अवांछित वृद्धि नहीं होगी, अवांछित वृद्धि यहाँ पर नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एट नंबर पे बात करें हम पॉइंट की, तो कुछ देशों में जो है इस टिड्डे को भोजन के रूप में भी खाया जाता है, कुछ देशों में टिड्डे को भोजन के रूप में भी क्या किया जाता है, खाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखो भोजन के रूप में कौन कौन से देशों में किस तरीके से इसके व्यंजन बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो कुछ देशों में इसको खाया जाता है, जैसे कि मैं बात करूं आपको दक्षिण मेक्सिको की, दक्षिण मेक्सिको की मैं बात करता हूं आपसे, तो यहाँ पर एक प्रकार का व्यंजन होता है जिसको हम चापुलाइन नामक व्यंजन के नाम से जानते हैं, चापुलाइन व्यंजन होता है, और इस व्यंजन में प्रमुख इनका भोजन है वो क्या है, टोर्टिलस, टोर्टिलस नामक एक व्यंजन आता है, ठीक है, ये प्रमुख है इसका, चापुलाइन नामक व्यंजन बनाए जाते हैं, इनको खाया जाता है किसके साथ, ठीक है, मिर्ची का सॉस होता है उसके साथ इनको खाया जाता है, किसका सॉस, मिर्ची का सॉस, ठीक है, मिर्ची का सॉस के साथ इसको खाया जाता है। साथ ही साथ हम देखें तो एक हमारे पास में आता है अमेरिका का, यूएसए के, यूएसए का एक व्यक्ति है ओलोन नामक, ओलोन नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या करता है, रात्रि के समय गड्ढे बनाकर, ठीक है, क्या बनाकर, गड्ढे बनाकर,
गड्ढे बनाकर, उसमें घास डालकर और उस घास को जलाता है, जिससे क्या हो जाते हैं, जो टिड्डे होते हैं वो उसके पास में आ जाते हैं और एकत्रित हो जाते हैं और उनको फिर भोजन के रूप में ये काम में लेता है। मैं तो पारिस्थितिक तंत्र इस तरीके से खराब कर देते हैं ये, इनकी खाने की चीजें जो है उनको तो खाते नहीं है साले, और ये फालतू की चीजों को खाते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। जो जीव जंतु है, कुछ जैसे चिपकलियां वगैरह है, मकड़ियां हैं, ठीक है, और बाकी अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं जो कि इनको खाने का काम करते हैं, तो वो उनका भोजन है ना कि हमारा। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके जो टिड्डे वाला चैप्टर हमने देखा है, चैप्टर नंबर 11, इससे कौन कौन से छोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर में। तो देखिए इसके अंदर हम जो है देखते हैं कि एक एक नंबर के या एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम के अंदर टेस्ट पेपर के अंदर दे दिए जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, सभी की हम बात बारी बारी से करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टोटल तो 10 जोड़ी होते हैं जो कि उदर और वक्ष भाग में पाए जाते हैं। कितने श्वसन छिद्र होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं जो कि कहां पे पाए जाते हैं। देखिए ये मैंने लिखा कि यहाँ पे श्वसन छिद्र, टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं तो 10 जोड़ी, 8 जोड़ी उदर भाग में जबकि 2 जोड़ी कहां पर, वक्ष भाग में। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि टिड्डे का शरीर बटा होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3 भागों में, सिर वक्ष और उदर भाग में, सिर वक्ष और उदर भाग में, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर, देखिए टिड्डा गंध का पता लगाता है, टिड्डा गंध का पता लगाता है, आपको यहाँ पर पता होगा इसका नाम है श्रृंगिका। क्या नाम है भाई, श्रृंगिका के द्वारा ये गंध का पता लगाता है तथा दिशा का भी पता लगाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखें तो टिड्डा नुकसान पहुंचाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि टिड्डा नुकसान पहुंचाता है किसको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको अनाज की फसलों को, दालों की फसलों को और चारे वाली जो फसलें होती है उनको, अनाज चारे और दालों वाले फसलों को नुकसान पहुंचाता है टिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि टिड्डे के मुखांग होते हैं, टिड्डे के मुखांग होते हैं तो आपको ध्यान रखना है अधोन्मुखी। क्या नाम है मुखांग का, अधोन्मुखी, ये आपको ध्यान रखना है। अधोन्मुखी प्रकार के जो है टिड्डे के मुखांग होते हैं, या हाइपोग्नेथस भी आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है हमारे कि मादा टिड्डा अपने अंडे कहाँ देती है, आप मादा टिड्डा अपने अंडे कहाँ देती है। पहला अगर आपके पास में यहाँ पर देखो अंडरोपक भी आ जाता है, और अंडरोपक अगर नहीं आए तो आप लिख सकते हो या करके कि या मृदा के अंदर, ठीक है, मृदा के अंदर जो है ये अंडे देते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो टिड्डा की कुल कितने टांगे होती है, टिड्डे में कुल कितने टांगे होती है, तो आपको ध्यान रखना है टोटल तो 6 होती है, टोटल तो 6 होती है। अगर आपसे जोड़ी पूछा जाए तो 3 जोड़ी आपके आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 3 जोड़ी या फिर 6। आगे देखें हम तो टिड्डे का रूपांतरण कहलाता है, तो 2 प्रकार का रूपांतरण होता है, अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। तो टिड्डे के अंदर अपूर्ण रूपांतरण पाया जाती है, डायरेक्ट इसके अंदर क्या पाया जाता है, लार्वा अंडा होता है, अंडे से डायरेक्ट क्या होगा, लार्वा, लार्वा से और वयस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो अपूर्ण रूपांतरण के अंदर पाया जाता है। टिड्डे की पिछली टांगे कैसी होती है, तो कूदने वाले, जंप करने वाले जो है इनकी पिछली टांगे होती है। टिड्डे का जीवन काल कितने दिनों का होता है, मतलब आप यहाँ पर आंसर लोगे 1 वर्ष का, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, ठीक है, लगभग 1 वर्ष का आप कहोगे यहाँ पर। चिबुकास्थि का क्या कार्य है, चिबुकास्थि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे एक नंबर का क्वेश्चन, चिबुकास्थि का क्या कार्य है, मैंडिबल्स का क्या कार्य है, तो भोजन को काटने और चबाने का कार्य इनका होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे सामने एक एक नंबर से आ जाते हैं, तो उनसे भी की बात में हमने यहाँ पर बारी बारी से की है। और इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट, बिल्कुल शानदार तरीके से आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।